अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और चटपटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैं मोगरे हार्वेस्ट कर रही हूँ। मोगरे एक्चुअली मैंने 2-3 साल से मैं इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मोगरे ऐसे उगते हैं। दरअसल मैंने अपने गार्डन में रेडिश जो होते हैं उनको हार्वेस्ट यानी कि उगाया था, तो वो मैंने हार्वेस्ट नहीं किए। कुछ 4-5 पौधे मैंने हार्वेस्ट नहीं किए थे, तो फिर वो जब बड़े हो गए उनके ऊपर फूल आ गए और उसके बाद ये मोगरे उनके ऊपर आ गए, तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुई कि मोगरे ऐसे उगते हैं। तो अब तकरीबन 3 साल हो गए मैं ऐसे ही इनको उगा लेती हूँ, क्योंकि मोगरे मुझे बेसिकली बहुत ही पसंद है और यहाँ पर बहुत कम आते हैं और जब आते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता। तो अब मैं इनको घर में ही उगा लेती हूँ और फिर खूब मज़े से इनको खाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ लाइव ही ये आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से मोगरे हार्वेस्ट करती हूँ और फिर इनको कैसे मैं पकाती हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, तो बहुत ही सिंपल मैंने वो मसाला जात उसके लिए यूज़ करती हूँ, कोई ज़्यादा नहीं। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं इनको कैसे पकाती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा, तो चलिए देखिए। हाँ जी, सबसे पहले मैंने अपने पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, तो अब मैं इसको इसके अंदर अब मैं प्याज डालूंगी। ये तकरीबन 1 प्याज है दरमियाने साइज का, तो पहले हम थोड़ा सा सोते करेंगे। ये देखिए अब ये काफ़ी अच्छे से सोते हो गए, बल्कि लाइट से गोल्डन ब्राउन भी हो रहे हैं। तो अब मैं इसके अंदर इस पॉइंट पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इनको भी जल्दी जल्दी से सोते डालूंगी इसके साथ ही। अब ये भी सोते हो गया इसके साथ, तो अब मैं एक बड़े साइज का टमाटर ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और इसको हल्का सा इसके साथ पका लूँगी। देखिए टमाटर मैंने डाल दिए और जब ये भी थोड़े से नरम हो जाएंगे, सोते होंगे, तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर सारे अपने मसाला जात ऐड करेंगे। ऐसा करने से ना वो मसाले का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, और अगर आप शुरू में ही मसाले डाल देंगे तो वो फिर इतना मज़े का फ्लेवर नहीं होता। इस पॉइंट पे मैंने चूल्हे को थोड़ा सा आहिस्ता किया और अब हम इसके अंदर अपने मसाला जात डालेंगे, जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, तो जितना आप स्पाइस पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये मेरी रेड चिली बहुत ही तेज़ है, तो ये मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून डालूंगी। ये मैं घर में ही बनाती हूँ इसलिए बिल्कुल ओरिजिनल है, खालिस है। और ये 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर का डाला है और ये इतना ही ज़ीरा डाला है मैंने, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और ये साथ में इतनी सी अजवाइन जाएगी, थोड़ी सी हल्दी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर 4-5 लौंग डाल दूंगी और इतना सा 1/2 टीस्पून जो है ना ये मैंने इसके अंदर सब्ज़ इलायची पाउडर ऐड किया। और अब ये देखिए हमारा मसाला तकरीबन बिल्कुल तैयार है, और इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर यूकोट दही डालूंगी। दही के साथ इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि जैसे आप कोरमा खा रहे हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला इसका तैयार होगा इसके साथ। मैंने कोई ज़्यादा यानी कि चीज़ें नहीं डाली इसके अंदर, सिंपल सी यानी कि मसाले मैंने डाले हैं। तो आप अगर इस तरह बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर जो है ना पकाने के लिए रख देती हूँ। ये
मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है और आपको इसमें तेल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। ये मैंने खुद ही ज़्यादा डाला है क्योंकि बाज़ सब्ज़ियाँ ऐसी होती है जो ज़्यादा तेल में पके तो उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो फिर मैं इसका ऑयल निकाल दूँगी, यानी कि ये ऑयल फिर मैं ऐसे करके तो फालतू सारा ऑयल निकाल दूँगी। लेकिन अगर शुरू में हम लोग ज़्यादा डालें तो फिर वो सब्ज़ी ज़रा बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, ख़ासतौर पर इस तरह मोगरे टाइप जो सब्ज़ी होती है तो इनका ज़रा स्पेशल टेस्ट होता है, तो इसलिए ये फिर ज़्यादा ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती है। ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके अंदर अपने घर के प्यारे से मोगरे, देखिए ये तकरीबन तकरीबन हफ्ता हो गया मैंने इनको हार्वेस्ट किया था और आज मुझे टाइम मिला इनको पकाने का, तो ये अब मैं डालूंगी पहले इनके अंदर और इनको थोड़ा सा मसाले के अंदर मैं पहले भूनूंगी। थोड़ा सा फ्लेम मैं ज़्यादा करूंगी इसका, यहाँ पे ना बहुत कम मिलते हैं ये मोगरे ना, और वो थोड़ी देर के लिए इधर आते हैं और जब आते हैं तो हमें कुछ पता भी नहीं चलता, इसलिए 2-3 सालों से मैं अपने घर में इनको उगा रही हूँ और फिर यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेरे हो जाते हैं तो मैं इनको फ्रीज भी कर देती हूँ। तो ये दूसरी दफ़ा मैंने उतारे हैं, दूसरी दफ़ा मैं बना रही हूँ, आज मैंने सोचा कि मैं चले कि आपको बता ही देती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। सबका अपना अपना डिफरेंट तरीका होता है बनाने का सब्जी को, तो मैं कुछ इस तरह बनाती हूँ। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मैंने इनको अलहदा से पकाया और अब मैं इसके अंदर अपने आलू डाल दूँगी और ये भी मेरे घर के ही आलू हैं। आप लोगों के साथ मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी, आलू तो उगाना बहुत ही सिंपल और ईजी है घर में, तो मेरे पास तो हर वक्त मैं हर सीज़न में मैं इनको उगा लेती हूँ, बहुत ही अच्छे उग जाते हैं माशाल्लाह से, कोई उसके लिए जगह की भी ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने बताया मेरी वीडियो में कि शॉपिंग बैग जो आप लोग यूज़ नहीं करते तो वेस्ट का आपके जाते हैं वो, तो मैं तो उनके अंदर भी उगा लेती हूँ। तो जब भी देखा कोई आलू आया बाज़ार से जिसकी आइस निकली हुई हैं, थोड़े थोड़े उसके रूट्स आ रहे हैं, तो फिर वो मैं जो है ना वो मिट्टी के अंदर उनको लगा देती हूँ और ख़ुद ही वो फिर तैयार हो जाता है और मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब ये मैंने इसके अंदर आलू और आलू भी डाल दिए और अब हम इनको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनते हैं इनको। अभी थोड़े भून गए हैं तो इस पॉइंट में मैं इसके अंदर मेथी ऐड करूँगी, कसूरी मेथी, और ये मैं धो के इसको ड्राई करके तो फिर मैं अपनी बॉटल्स में डाल देती हूँ। अभी से इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो अब इनको मैं मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जब तक ये गलते नहीं हैं आलू और ये मोगरे तो मैं इनको पकने दूंगी, अब नहीं मैं इनको छेड़ूंगी। अब मैं इनको बर्तन लगा के तो ऐसे लो फ्लेम के ऊपर मैं इनको तकरीबन ये तकरीबन 10 मिनट में मेरे ख्याल में ये तैयार हो जाएंगे। ये देखिए अब 10 मिनट बाद मैंने ये देखा है और ये बिल्कुल गल गए हैं, बिल्कुल ही मोगरे भी और आलू भी बहुत गल गए हैं और अब ये आप देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी ऐसे कि पहले मैं इसका ऑयल रिमूव कर दूँगी सारा और फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी। अब ये देखिए ये सारा फालतू ऑयल इसमें आ गया, अब हम डिश आउट करते हैं। उससे पहले मैंने इसका सारा फालतू ऑयल जो था मैंने ज़्यादा डाला था इसीलिए, तो अब ये मैंने इसको तकरीबन सारा ऑयल फालतू मैंने निकाल दिया और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मेरे मोगरे आलू बन गया। और इसमें बिल्कुल भी वो कसैलापन जो होता है कड़वापन मोगरे का वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं। और अब इसको मैं चपाती के साथ और बटर थोड़ा सा लूँगी और उसके साथ मैं खाऊँगी, क्योंकि बहुत ही मज़ा आएगा। और ये देखिए कितना ज़्यादा फालतू ऑयल है, अगर आप लोग भी ऐसे अपने ऑयल को निकाल लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और ये आप दोबारा से सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, ये ऑयल ज़ाया नहीं जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मेरी ये वाली रेसिपी सिंपल सी है लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये मोगरे मेरे घर के हैं, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है ये, तो इसलिए इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का आने वाला है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चले मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।